morning students, I am your maths teacher and today I will teach you maths of class 5th and today we continue chapter 1 number system and today we do exercise 1.4. So let's see in the book. This is your maths book, maths of class 5th. Exercise 1.4. See a part. Round off each of the following numbers to the nearest 10,000. See here some numbers are given and we must round off these numbers nearest 10,000. हमें 10,000 वाले नंबर को राउंड ऑफ करना है. So let's see how we do this question. A part, round off to the nearest 10,000. तो बच्चों पहले हम इसमें ये नंबर है हमारा फर्स्ट नंबर 10,000 वाला नंबर देखेंगे कि कौन सा है. देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 यानी कि 3 है. 3 पर आप अपनी फिंगर रख लो. 3 को क्या करना है बच्चों, हमें राउंड ऑफ करना है. यानी या तो ये 3 ही रहेगा या फिर 3 का एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा. अब नंबर बढ़ता कब है बच्चों, देखो पहले भी आपने राउंड ऑफ किए होंगे. 3 से पहले यहाँ पर क्या है, 9. तो 9 देखो बच्चों, जब ये 5 होता है या 5 से ज़्यादा होता है यहाँ पे जो भी डिजिट है, तो ये जिसे हमें राउंड करना है वो एक नंबर आगे बढ़ जाता है. तो देखो 9 5 से ज़्यादा होता है तो 3 एक नंबर बढ़ जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा. और इसके बाद जितने भी ये डिजिट आपको दिखाई दे रही हैं ये सब 0 बन जाएंगी. तो यहाँ पे अब 9 है, ये 5 से ज़्यादा है तो ये 4 हो जाएगा. इससे पहले यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट है सेम नहीं, उसे हमें कुछ नहीं करना. तो पहले 5 लिखेंगे, 3 का 4 बन जाएगा और यहाँ पे जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 4 यहाँ 0 लगा दो. तो ये हमारा 10,000 नंबर को हमने राउंड ऑफ कर दिया. यहाँ पर देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 यानी 4 को राउंड करना है. 4 से पहले देखो यहाँ पे 16 है तो आप 16 लिख लो. अब 4 या तो 4 ही रहेगा या फिर ये एक नंबर बढ़ जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा. अब क्या करते हैं हम, देखते हैं बढ़ता है या नहीं. 4 से पहले देखो यहाँ पर राइट साइड में क्या है, 8. अब 8 5 से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है तो 4 क्या होगा, बढ़ जाएगा. जब ये डिजिट 5 से ज़्यादा होती है या 5 होती है तो ये नंबर हम बढ़ा देते हैं. तो 4 का क्या हो जाएगा, 5. सिर्फ एक नंबर बढ़ाएंगे हम, 1 डिजिट. अब ये जितनी डिजिट बची हुई हैं 1 2 3 4 सब 0 बन जाएंगी. तो इसी तरह से आप बाकी के जो नंबर्स हैं उनको आप राउंड ऑफ करेंगे 10,000 वाले नंबर को. देखिए बी पार्ट, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट लैक. इन नंबर्स में अब हमें लैक वाला नंबर राउंड करना है. मेथड वही है, पहले हम लैक वाला नंबर देखेंगे. डिजिट कौन सी है हमारी, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक यानी 4 है. 4 को क्या करना है बच्चों, राउंड करना है. अब या तो ये 4 ही रहेगा या 4 का एक नंबर आगे यानी 5 बन जाएगा. अब देखते हैं ये बढ़ता है या नहीं. 4 से ही पहले देखो यहाँ पे राइट साइड में 7 है. ओ 7 तो 5 से बड़ा होता है. ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ जाएगा यानी 5 हो जाएगा. तो पहले हम 2 लिखेंगे, फिर 4 का 5, बाकी अब कितने डिजिट हैं ये 1 2 3 4 5, 0 बना दो 1 2 3 4 5. इसके पीछे सब 0. इसी तरह से यहाँ पे देखो लैक वाला नंबर, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड,
10,000 लैक, यानी 8 को क्या करना है, राउंड करना है। ऐसे मैंने निशान लगा लिया। अब 8 को राउंड करने के लिए इसे पहले देखो क्या आ रहा है, 0, ये तो 5 से कम है तो ये यही रहेगा, इसको हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 3 का 3 लिखेंगे पहले हम, और 8 हमारा ये 0 5 से कम है तो 8 का 8 ही रहेगा, तो 8 लिखेंगे। बाकी यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4, 5 सब 0 हो गए, तो 5 0 लगा दो ऐसे। इसी तरह से इसमें लैक वाला नंबर हम काउंट करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लैक, यानी 5 को राउंड करना है। अब 5 से पहले देखो, राउंड करने से पहले क्या आ रहा है, 1, अरे ये तो 5 से कम है, अब 5 नहीं बढ़ेगा यही रहेगा, तो इससे पहले 7 लिख लो, फिर 5 का 5 ही रहेगा। अब ये सारी डिजिट यहाँ से लेके यहाँ तक सब 0 बन जाएंगी, तो 5 डिजिट हैं तो 5 0 लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसी तरह से बच्चों लैक वाले डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है, ओके। देखिए सी पार्ट, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 लैक। अब सी पार्ट में हमें 10 लैक वाला नंबर राउंड ऑफ करना है, तो देखिए 10 लैक वाला नंबर कौन सा है इसमें डिजिट, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, ये है 5 को राउंड करना है, यानी ये तो 5 रहेगा या 6 हो जाएगा। इससे पहले देखो क्या है, 2, ओहो ये तो 5 से कम है, अब हम इसे नहीं बढ़ा सकते, तो 5 का 5 ही रहेगा, और 7 तो हमारा लेफ्ट में है तो इसे तो हम कुछ करते ही नहीं है, पहले हम 7 लिखेंगे, 5 का 5 रहेगा, और यहाँ से 2 से लेकर यहाँ तक सब 0, कितने 0 बन जाएंगे, 1, 2, 3, 5, 6 0 लगा देंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह से देखो अब यहाँ पे कौन सा हमारा 10 लैक वाला नंबर देखेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लैक, 10 लैक, यानी 1 को राउंड करना है। अब या तो 1 ही रहेगा ये, या फिर ये 1 का 2 बन जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा, देखते हैं अब ये बढ़ता है या नहीं। तो 1 से पहले देखो यहाँ पे राइट साइड में क्या है, 5, अरे वाह चलो 5 तो आया, आधे रास्ते तक आ गए हम, तो 5 है तो 1 का ये बढ़ जाएगा यानी 2 बन जाएगा, पहले 6 लिखेंगे और 1 का 2, बाकी सब 0, तो ये 6 डिजिट हैं तो 6 0 बना दो, 1, 2, 3, 4, 6। इसको हमने 10 लैक वाले नंबर को राउंड ऑफ कर दिया। इसी तरह से देखिए इसका डी का, डी पार्ट में देखो बच्चों ये है, हमें किसको राउंड करना है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट करोड़, यानी करोड़ वाला नंबर हमें राउंड करना है। तो इसमें करोड़ वाला नंबर देखेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लैक, 10 लैक करोड़, यानी 0 को राउंड करना है। या तो अब ये 0 ही रहेगा, या फिर ये 0 से एक नंबर आगे बढ़ेगा तो ये 1 हो जाएगा, तो देखते हैं बढ़ता है। देखो 0 से पहले क्या आ रहा है यहाँ, 7, ओ ये तो 5 से ज़्यादा है तो ये हमारा बढ़ जाएगा, तो 0 के बाद एक नंबर बढ़ाएंगे, कौन सा नंबर होगा, 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये इसी तरह से लिखेंगे हम इसको, 1 और 0 का 1 बन गया। अब देखो कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब 0 बन जाएंगे, तो 7 0 लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से अब इसे करेंगे, इसमें अभी करोड़ वाला नंबर देखते हैं कौन सा है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लैक, 10
बच्चों, या फिर ये फाइव का क्या बन जाएगा? सिक्स। अब देखते हैं ये बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो फाइव से पहले क्या है? वन। ओफ ओ, ये तो फाइव से कम है। अब ये नहीं बढ़ेगा, फाइव का फाइव ही रहेगा। तो यहाँ फाइव लिखेंगे और यहाँ से वन से लेकर यहाँ तक सब ज़ीरो। तो कितने डिजिट हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो सेवन ज़ीरो लगा दो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो इस तरह से बाकी के नंबर बचे जो मैंने छोड़ दिए हैं आपको इसी तरह से राउंड ऑफ करने हैं। नाउ सी ई पार्ट, राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट। देखो ये नंबर है, इसी नंबर को हमें बार बार अलग अलग प्लेस पर राउंड ऑफ करना है। तो इस नंबर को सबसे पहले हमें किस में राउंड करना है? टेन में। यानी इसका टेंस का नंबर कौन सा है बच्चों? सिक्स। यानी हमें सिक्स को राउंड करना है। अब सिक्स से पहले क्या है? फोर। ये तो फाइव से कम है तो सिक्स का सिक्स ही रहेगा और ये ज़ीरो बन जाएगा। बाकी यहाँ के नंबर सेम लिखने हैं तो सेम उतार लो। फाइव नाइन थ्री सेवन ज़ीरो टू वन सिक्स और ये फोर का ज़ीरो। अब इसी नंबर को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हंड्रेड। इसी में हंड्रेड वाले नंबर को राउंड करना है। हंड्रेड का नंबर कौन सा है? वन। वन स्टैंड हंड्रेड, वन है। अब वन को राउंड करेंगे बच्चों, तो वन से पहले क्या है? सिक्स। ये तो फाइव से ज़्यादा है तो वन एक नंबर बढ़ जाएगा यानी कि टू बन जाएगा और ये दोनों ज़ीरो। अब यहाँ से यहाँ तक सेम लिख लो। तो यहाँ पे टू, यहाँ तक लिखेंगे फाइव नाइन थ्री सेवन ज़ीरो टू, फिर वन का भी टू बन जाएगा और ये दोनों ज़ीरो। यानी हंड्रेड को राउंड कर दिया, हंड्रेड वाले नंबर को। अब किसको करना है? थाउजेंड। तो हंड्रेड के बाद थाउजेंड यानी इस टू को राउंड करना है। अब देखो टू से पहले क्या है? वन। तो टू का टू ही रहेगा और ये तीनों ज़ीरो। तो यानी कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेम लिखेंगे और इन तीनों को ज़ीरो। नाइन फाइव नाइन थ्री सेवन ज़ीरो टू और ये ज़ीरो। अब हमें 10,000 को राउंड करना है। तो 10,000 बच्चों कौन सा है? ज़ीरो। अब ज़ीरो से पहले क्या है? टू। तो ये ज़ीरो ही रहेगा और बाकी ये सब ज़ीरो। तो यहाँ तक हम सेम लिखेंगे ज़ीरो तक। फाइव नाइन थ्री सेवन ज़ीरो। अभी कितने? वन टू थ्री फोर, फोर ज़ीरो लगा दो। वन टू थ्री फोर। अब है लैक। अब इसमें लैक वाला नंबर कौन सा है? सेवन। अब सेवन को राउंड करना है। तो सेवन से पहले क्या है? ज़ीरो। ये भी फाइव से कम है तो सेवन का सेवन ही रहेगा। यानी कि अब यहाँ से लेके हम सेवन तक लिखेंगे और बाकी ये सब ज़ीरो बन जाएंगे। तो फाइव नाइन थ्री सेवन। अब देखो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव ज़ीरो लगा दो। वन टू थ्री फोर फाइव। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया? लेग को राउंड कर दिया। अब हमें टेन लेग को राउंड करना है। तो टेन लेग में देखो नंबर कौन सा है इसमें? वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेग टेन लेग यानी थ्री है। थ्री को राउंड करने के लिए देखो क्या है? पहले सेवन। अब थ्री तो बढ़ जाएगा क्योंकि ये फाइव से ज़्यादा होता है तो थ्री का बन जाएगा फोर। यानी नाइन फाइव नाइन फोर, पहले इतना लिख लो फाइव नाइन फोर। अब देखो इसके बाद कितने डिजिट हैं? सब ज़ीरो बन जाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो सिक्स ज़ीरो लगा दो यहाँ पर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब कैसे राउंड करना है? करोड़ को। करोड़ वाला नंबर कौन सा है बच्चों इसमें? देखो नाइन। नाइन से पहले क्या है? थ्री। ये तो कम है फाइव से तो नाइन का नाइन ही रहेगा। यानी फिफ्टी नाइन लिखेंगे हम यहाँ पे फाइव नाइन और बाकी सब ये ज़ीरो। तो सेवन ज़ीरो बन जाएंगे। फाइव नाइन वन टू थ्री फोर
फाइव सेवन, ये हमने करोड़ को राउंड ऑफ कर दिया। इसी तरह से देखिए एफ, ये आंध्र प्रदेश की क्या है, पॉपुलेशन, ये बिहार की पॉपुलेशन है, ये उड़ीसा की पॉपुलेशन है। तो बच्चों देखो मैं जिस तरह से आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन को राउंड करूँगी उसी तरह से आप बिहार और उड़ीसा की आप अपने आप करोगे। देखो हमें किस में करना है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट करोड़, यानी इसमें करोड़ वाला जो नंबर है उसे राउंड करना है। तो देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, यानी सेवन को राउंड करना है। अब सेवन से पहले देखो यहाँ क्या है, फाइव, यानी आधे रास्ते तक आ चुके हैं। तो जब फाइव होता है तब भी हम इसको बढ़ा देते हैं, तो सेवन का क्या बन जाएगा, एट। तो हम यहाँ एट लिखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सब ज़ीरो, तो कॉमा लगाओ। अब ये दोनों ज़ीरो, फिर कॉमा, ये भी ज़ीरो कॉमा, फिर ये भी ज़ीरो, ओके। इसी तरह से बिहार है, इसमें हम इसको राउंड करेंगे करोड़ का नंबर। अब एट से पहले देखो क्या है, टू, तो एट का एट ही रहेगा, बाकी सब ज़ीरो। तो यहाँ एट कॉमा, ये दोनों ज़ीरो कॉमा, ये दोनों ज़ीरो और फिर ये ज़ीरो। इसी तरह से इसमें थ्री को राउंड करना है, थ्री से पहले क्या है, सेवन, सिक्स, तो ये फाइव से ज़्यादा है तो थ्री का बढ़ जाएगा थ्री, तो ये हो जाएगा फोर। तो हम यहाँ लिखेंगे फोर कॉमा, बाकी सब ज़ीरो। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज हमारी 1.4 इज कंप्लीटेड एंड योर चैप्टर 1 इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।